हमने हिंदुस्तानी को फोक के साथ कंबाइन किया। निराली मेरे बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर थी। Then on the day of the concerts, you have to treat me like a queen. तो मेरा प्री रिचुअल ये है। जब मिट्टी से मिलता है बारिश का फ्रेश पानी, जब मिट्टी से मिलता है बारिश का फ्रेश पानी और आती है सौंधी खुशबू सुहानी, प्लीज वेलकम आज के गाना फोक फेस्टिवल में माटी बानी। वेलकम गाइस, दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट इंट्रोज वी हैव एवर गॉट, रियली लव्ड इट। आप लोग मिले कहाँ पर, कैसे इस बैंड की शुरुआत हुई, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड माटी बानी? सो बात ये है कि निराली मेरे बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर थी। ओके। तो आई यूज टू प्ले गिटार इन हर ब्रदर्स कैफे, पर तब कुछ नहीं था। बट जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया तो हम एक प्रोजेक्ट पे काम करने लगे, तो उसमें थोड़ी स्पार्क्स हुए। बट वंस दैट हैपन्ड, रेस्ट इज माटी बानी। बट ये नाम माटी बानी कैसे आया? फोक म्यूजिक में जो रॉनेस है ना, और उसके अंदर जो एक सौंधी सी खुशबू है ना, वो कोई म्यूजिक में आप जितना भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लो, बट द मोमेंट यू लिसन टू फोक म्यूजिक, वो आपको लगता है कि हाँ, हम ऐसे फॉरेन वॉरेन ऐसे पास्ता पिज्ज़ा खा के हम वापस अपनी रोटी सब्जी पे आ गए, यू नो। सो दैट इज़ वॉट फोक म्यूजिक इज़ टू अस, एंड वॉट इज़ अ बेटर वे टू डिस्क्राइब आवर फोक म्यूजिक थ्रू मिट्टी। So it is maybe a tribute to the Mati that we have born in and Mati ki bani. आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, कितने आर्टिस्ट के साथ में कोलैब कर चुके हैं, एंड अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है कार्तिक निराली? तो हम 11 साल से हैं, एंड अब तक हमने 30 से भी ज़्यादा देशों में अराउंड 250 म्यूजिशियन के साथ काम किया है। सो इट स्टार्टेड एज एन आइडिया, तो ऐसे ही रैंडम हम लोगों को पूछने लगे कि कोलैबोरेशंस करते हैं, और हमने हिंदुस्तानी को फोक के साथ कंबाइन किया। मैं मेरे थॉट्स इसमें थोड़े डालूंगी कि आई हैव बीन अ क्लासिकल वोकलिस्ट, एंड माय आइडिया ऑफ बीइंग अ म्यूजिशियन वाज स्ट्रिक्टली वेरी ऑर्थोडॉक्स, लाइक मैं क्लासिकल शास्त्रीय गायिका बनने वाली हूँ, ये मेरा थॉट था। Then entered Kartik and he literally opened up my world of music, in which he put me with a villager to like kind of collab, and we were jamming with a musician from Spain the other day. फिर हम कहीं गए तो हमने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ भी काम किया। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आपकी कौन सी फेवरेट होली मेमोरी रही है, वो खट्टी भी हो सकती है, मीठी भी हो सकती है, नॉटी भी हो सकती है, तो वो मेमोरी क्या होगी? मेरे लिए तो होली इज़ लाइक आई लव फूलों की होली, और हमारे बहुत सारे गाने फूलों की होली के आसपास भी हैं। तो वो नाद द्वारा की होली के आसपास के जो दिन पे मैं गई थी, एंड वो जहाँ ऐसे मस्त गुलाल उड़ रहा था और पीछे ऐसे हवेली संगीत बज रहा है और सब लोग, यू नो, पीपल आर डांसिंग एंड जस्ट सब भूल के, एंड यू आर प्लेइंग होली विद स्ट्रेंजर्स विद फ्लावर्स एंड विद गुलाल इन अ वेरी डिवाइन एटमॉस्फेयर, आई थिंक दैट वाज वेरी स्पेशल। तो अब एक वो होली वाला गाना हो जाए प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों नहीं, वी आर प्रेजेंटिंग टू यू अ सॉन्ग फ्रॉम वृंदावन, और वृंदावन में एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसको बोलते हैं लट्ठा मार होली, जिसमें जो लड़कियाँ होती हैं, गोपियाँ जो होती हैं, वो लड़कों को लाठी से मारती हैं, और जब ही ये मारती हैं तब गाए जाने वाला ये गाना है मृगनैनी।
मृग नैनी हो यार नवल रसिया मृग नैनी, मृग नैनी हो यार नवल रसिया मृग नैनी, मृग नैनी हो यार नवल रसिया मृग नैनी, मृग नैनी हो यार नवल रसिया मृग नैनी। बड़ी बड़ी अखियां ना, 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 बड़ी बड़ी अखियां ना कंजरा सोहे, बड़ी बड़ी अखियां ना, बड़ी बड़ी अखियां कंजरा सोहे, टेढ़ी चितवन मोरे मन बसिया, टेढ़ी चितवन मोरे मन बसिया, मृग नैनी हो यार नवल रसिया मृग नैनी, मृग नैनी हो यार नवल रसिया मृग नैनी, मृग नैनी हो यार नवल रसिया, मृग नैनी 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 मृग नैनी, मृग नैनी हो यार नवल रसिया मृग नैनी, मृग नैनी मृग नैनी। होली है। पर ये जो कोलैबोरेशन, जब आप ऐसा थॉट लाते हो दिमाग में कार्तिक कि अच्छा ठीक है अभी मुझे कोलैब करना है, बट प्रोसेस में कैसे रखूंगा, और क्या सारा म्यूजिक का इनिशियल थॉट आपका ही होता है या फिर जिन जिन लोगों से भी आप कोलैबोरेट करते हो वो भी इसके अंदर पिच इन करते हैं, और दे जस्ट फॉलो व्हाट विजन यू हैव? आवर ओनली प्रोसेस इज दैट एक स्ट्रक्चर बना है। अभी हम जैसे एक खान के अंदर जैसे ढूंढते हैं सोने को, वैसे म्यूजिशियंस ढूंढते हैं फिर। वाओ। और फिर अगर कोई अच्छा म्यूजिशियन मिल जाता है जो ऐसा इनिशियल थॉट आता है कि हाँ ये इसके साथ काम करना है, देन दे स्टार्ट पिचिंग इन देयर, आप उन पे ट्रस्ट करेंगे तो वो आपको 200% देंगे। और फिर ऐसे अगर 12-15 म्यूजिशियन एक गाने में अगर आ जाते हैं तो फिर वो एनर्जी कुछ और ही होती है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हो, परफॉर्म करते हो, यू आर ऑलवेज ऑन योर टूर्स, तो कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव ब्लॉकेज आता है? कभी आप अपने थॉट्स के साथ में स्ट्रगल करते हो, और अगर स्ट्रगल करते हो तो फिर वापस से ट्रैक पर कैसे आते हो? यस, सो आई बिलीव द इंटेंसिटी ऑफ योर मोटिवेशन हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। We always blame on other people, other circumstances, which I feel is such a bad way to kind of be a creative person. You are a creative person, find your solutions, find your paths. Aur kabhi motivation theek hai, kam hai to theek hai, accept it. But I would say, I would not like to blame it on anybody else but me. I think creative block to matlab utar chalao to hote hi rehte hain. I think the best way is to come out of it. कभी कभार ब्रेक ले लिया, ट्रैवल कर लिया कहीं पे। स्पेशली टॉकिंग अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग म्यूजिक वीडियो ऑफ बलमा, उस म्यूजिक वीडियो को कैसे आप लोगों ने बनाया और कैसे प्रेजेंट किया, वी वुड वांट टू नो दैट। माय पैशन इज टू फाइंड न्यू साउंड्स। जी मुझे जो रोजमर्रा की जो चीज़ होती है उसमें से कोई संगीत बनाता है वो ज़्यादा पसंद आता है। तो बहुत सारे वीडियोज में अगर आप देखेंगे तो एक वीडियोज न्यूयॉर्क में हमने जो किया है उसमें कोई वो जो कारपेंटर यूज़ करते हैं ना सौ, वो सौ बजा रही है। तो फॉर मी दैट्स द थिंग कि इसने इसमें से भी म्यूज़िक निकाला। सो बलमा में एक ही थॉट था कि जिप्सी जैज जॉनर का गाना है और इसने राग किरवानी में कुछ गाया है, उससे मुझे सिमिलर लगता था कि ये जॉनर में अगर इसमें जाऊँगा तो मुझे म्यूजिशियंस बहुत अच्छे मिलेंगे। रैंडम कोल्ड कॉलिंग जैसे होता है वैसे बहुत सारे म्यूजिशियंस एक दिन ढूंढे, सबको ईमेल्स भेजे कि ऐसा कुछ कर रहे हैं आप कुछ बजाएंगे इसमें।
देन एक्चुअली सबको जाके वीडियो कॉल्स पे समझाया कि मैं आपको एक ट्रैक भेजूंगा, उस पर आप ये चीज़ बजाएंगे, फिर सबका आके जब एक खूबसूरत सा एक नेकलेस बना जी, बीड्स डालते डालते वैसे जी, वैसे बस इट जस्ट फेल इन प्लेस। अभी हमने जिस गाने के बारे में इतनी सारी बातें कर ली है, अभी पता नहीं पड़ेगा ना ऑडियंस को कि वो गाना और कितना अमेजिंग हो सकता है, स्पेशली जब आप लोग लाइव और अनप्लग परफॉर्म करोगे। कैन वी प्लीज हैव बलमा गाइस? श्योर श्योर। नहीं माने मलमा, नहीं माने मलमा, नहीं माने मलमा, नहीं माने, वो मोरे मन की न जाने, वो मोरे मन की न जाने, मलमा नहीं परफॉर्म करना होता है, ऐसे कुछ प्री शो रिचुअल्स हैं जो कि आप एकदम रिलीजियसली फॉलो करते हो विच हेल्प्स यू टू परफॉर्म बेटर? फॉर मी, इफ आई स्टेप ऑन स्टेज एंड फॉर दैट फ्रॉम द मॉर्निंग आई कीप माई सेल्फ इन अ वेरी ब्यूटिफुल मोड, इट्स लाइक अदर वर्ल्डली, एंड आई हैव टोल्ड कार्तिक ऑल्सो दैट ऑन द डे ऑफ द कॉन्सर्ट्स यू हैव टू ट्रीट मी लाइक अ क्वीन। तो मेरा प्री रिचुअल ये है। लवली। नहीं तो शो अच्छे से नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली। बट ऑन अ सीरियस नोट कार्तिक, व्हाट इज योर गो टू प्री रिचुअल बिफोर द शो? देयर इज नो प्री रिचुअल एज आई एम एन एंग्शियस पर्सन। व्हेन यू गो ऑन स्टेज ये लगाओ वो लगाओ, अरे ये नहीं चल रहा है, वो कम से कम हो, बिकॉज दैट थ्रोस द मूवमेंट ऑफ। Rest, I think I am quite chilled. I'm sure कि आपका परफॉर्मेंस देख करके everywhere, whenever you are performing, वो हमेशा धांसू ही होता होगा, बट ऐसी आपकी कोई फेवरेट सिटी जिसमें आपको मज़ा आ गया परफॉर्म करके? My special go to would be my home city, Ahmedabad. ए हालो, ए हालो। और कार्तिक आपके लिए कौन सा? हमने एक शो किया था हॉलैंड में, आई थिंक दैट वॉज प्रिटी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। अच्छा, क्योंकि इतने सारे सिटीज में परफॉर्म कर चुके हैं आप, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं कार्तिक, अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो सबसे फनीएस्ट एक फैन की मेमोरी बताओ, जो आपने उनकी तरफ से कोई कॉम्प्लीमेंट सुना और आपको हंसी भी आई एंड यू वर अ लिटिल अमेज्ड कि अरे मतलब ये तो मज़ा ही आ गया, ऐसा ऐसा कभी कुछ हुआ है? सो वी वर परफॉर्मिंग इन बैंगलोर फॉर NH7, वी वर becoming known in the circuit of festivals and all that. So birthdays abhi Facebook bhi thoda abhi 2013 I think it was 2013. So people didn't know it was my birthday and it was my birthday. Aur kisi ne phir audience mein se kaha tha ki it's your birthday and then you know the whole crowd was the whole crowd wished me happy birthday by singing. How sweet. एक ऐसा गाना जो कि आपको सीधा होली की वाइब्स में लेकर चला जाता है? मृगनैनी। You know, रंग बरसे और that's my favorite song. होली एंथम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं रंग बरसे, पर रंग बरसे के रंग हम यहाँ पर थोड़े से चेंज करेंगे, क्यों निराली? बिल्कुल। तो यशी, शायद आपको पता नहीं होगा कि रंग बरसे वो एक राग पे आधारित है और वो राग का नाम है पीलू, और पीलू पे बहुत सारी होली की बंदिशें हैं। आई एम फैसिनेटेड बाय द फैक्ट दैट द कंपोजर उन्होंने पीलू लिया
इतने फन गाने के लिए, तो मैं पीलू की आपको जो एक्चुअली जो सेमी क्लासिकल ठुमरी या कजरी बोलते हैं वो मैं सुनाऊंगी। ये जो फॉर्म है जो अभी मैं गा रही हूँ उसको बोलते हैं कजरी, जो सिर्फ बारिश में नॉर्थ इंडिया में गाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ बारिश में। घिर घिर आई कारी रे बदरिया, सयाब न सुनी नगरिया हमार, 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 सयाब न सुनी नगरिया हमार। होली है ये तो डालना ही पड़ता है। थैंक यू सो 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 मच। शी वाज प्लेजर। थैंक यू सो मच।